नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंश्योर केयर चैनल पे। आज हम बात करके ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। तो चलिए देखते हैं। ब्लड बॉडी फ्लूइड स्पिल क्या होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। ब्लड या बॉडी फ्लूइड जैसे यूरिन, ओमेट, ब्लड और सलाइवा, यदि अगर फ्लोर पे गिर जाता है तो उनको हम बॉडी फ्लूइड स्पिल और ब्लड स्पिल कहते हैं। इस जैसे स्पिल से स्टाफ, पेशेंट, विजिटर्स के लिए इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यदि अगर ब्लड, यूरिन, ओमेटिंग ऐसी चीजें कुछ भी अगर फ्लोर पे गिर जाती है तो इनको बहुत कंटामिनेटेड माना जाता है, तो हमको तुरंत इसको क्लीन करना जरूरी है। ऐसे इवेंट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं जो कि हॉस्पिटल में किसी भी एरिया में हो सकते हैं, इसलिए इसको मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल और एनएमबीएच द्वारा एक खास तरह की पॉलिसी तैयार की गई है जिसको हम स्पिल मैनेजमेंट कहते हैं। ये स्पिल के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट है माइनर स्पिल और दूसरा है मेजर स्पिल। तो चलिए देखते हैं माइनर स्पिल क्या होता है। माइनर स्पिल ये होता है कि एरिया जो है उसका 10 सेंटीमीटर से कम इन्वॉल्व होता है, जैसे ब्लड ड्रॉप, ब्लड स्पॉट, ये होता है माइनर स्पिल। और दूसरा जो है मेजर स्पिल, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर से ज्यादा का एरिया इन्वॉल्व होता है या स्पिल का साइज 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं मेजर स्पिल। स्पिल मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहला फैक्टर है नेचर एंड टाइप ऑफ स्पिल, यानी कि नेचर क्या है उसका वो हमें देखना जरूरी है। जैसे ब्लड ड्रॉप है, यूरिन है या ओमिटिंग है, ये सब हमको देखना बहुत ही जरूरी होता है। देखते हैं दूसरा फैक्टर क्या है, साइज ऑफ स्पिल, यानी कि स्पिल का साइज क्या है, फ्यू ड्रॉप, स्पॉट है या लार्ज स्पिल है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तीसरा फैक्टर देखते हैं टाइप ऑफ सरफेस, यानी कि कौन से टाइप का फ्लोरिंग है, कारपेट है या टाइल्स है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। अभी देखते हैं चौथा फैक्टर क्या है, स्पिल लोकेशन, यानी कि इसमें ये देखना जरूरी है कि स्पिल का लोकेशन क्या है, वो कंटामिनेटेड एरिया है या पब्लिक प्लेस है या क्लिनिकल एरिया है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो अभी देखते हैं पांचवा फैक्टर, स्किन कॉन्टेक्ट, यानी कि उस स्पिल में किसी का कॉन्टेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। स्पिल को क्लीन करने के लिए हर हॉस्पिटल में स्पिल किट बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पीपीई किट। पीपीई किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऐसे हजार दस इवेंट्स में हमारे खुद की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कैप, मास्क, ग्लोव्स, गाउन, शू कवर, इतनी सारी चीजें शामिल होती है। सेकंड प्रोटेक्टिव ग्लास, थर्ड हेवी ड्यूटी ग्लोव्स, फोर्थ टिश्यू पेपर, फिफ्थ फ्रेशली प्रिपेयर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, सिक्स येलो बैग, सेवन गम बोर्ड, एट स्टॉप बोर्ड। तो अभी हमने देखा स्पिल किट को क्या क्या चीजें लगती है, ये सारी चीजें मिला के एक स्पिल किट बनता है। तो ये हम कहाँ पे रखते हैं, जैसे कि ओटी डिपार्टमेंट है, लैबोरेटरी है, इमरजेंसी है और आईसीयू है, इन सारे डिपार्टमेंट्स में हम रखते हैं। और हॉस्पिटल में जितने भी नर्सिंग स्टेशन है वहां पे भी हम रख सकते हैं, क्योंकि स्पिल होने के चांसेस सब जगह पे होते हैं, इसके लिए हम वहां पे ये रखते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं स्पिल को कैसे क्लीन करें और उसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं यहाँ पे स्पिल हुआ है, स्पिल होने के बाद हमको पहले लगाना है स्टॉप बोर्ड। स्टॉप बोर्ड हम क्यों लगाते हैं, ताकि वो एरिया आइसोलेट हो सके, मतलब कोई भी विजिटर और स्टाफ उस एरिया में आ और जा ना सके। तो उसके बाद हमको अभी पहनना है पीपी किट। पीपी किट में आता है कैप, मास्क, ग्लोव्स, गाउन, गॉगल और शू कवर। जिस जगह पे स्पिल हुआ है उस जगह पे पहले हम टिश्यू पेपर को डालते हैं, ताकि वो स्पिल फैले ना। तो अभी हमें
फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड आसपास के एरिया में हमको डालना है ताकि उस एरिया को वो डिसइन्फेक्ट कर सके, और 15 से 20 मिनट तक हमें वो रखना है। आफ्टर 15 to 20 मिनट उसके बाद हमें वो टिश्यू पेपर उठा के येलो बैग में अच्छी तरह से डिस्कार्ड करना है। उसके बाद स्पिल वाले एरिया में हाइपो से पोछा लगा ले और उस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर ले। वो होने के बाद अच्छी तरह से हैंड हाइजीन करे, जिसका वीडियो हमने लिंक में दिया है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा स्टेप बाय स्टेप स्पिल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो ऐसे स्पिल के इवेंट्स के लिए हर एक हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग स्टाफ को ट्रेन किया जाता है ताकि वो ऐसे इवेंट में अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।